students, today we will discuss the next topic in hospital and clinical pharmacy. Name of the chapter is Drug Information Service and Drug Information Bulletin. इसमें इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो स्टडी करेंगे वो है मेन, जैसे कि हमारे जो ड्रग है उसकी हमें ड्रग के बारे में कहाँ से हमें पता चलता है, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हम लोग उसकी जो सर्विसेज हैं ड्रग के बारे में पूरी डिटेल है वो कैसे हम लोग इकट्ठे करेंगे, कलेक्ट किस सोर्सेज से करेंगे, उनके क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हम लोग जो ड्रग है वो कलेक्ट करते हैं, इसकी गाइडलाइंस DIC की हम लोग गाइडलाइंस जो है वो डिस्कस करेंगे, सोर्सेज को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, उसके बाद इसके फंक्शंस, जो फंक्शंस क्या हैं DIC के, एंड नेक्स्ट है हमारे ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, कि ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या होता है, उसके एडवांटेज और एडवांटेजेस क्या होंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा, इसमें इंट्रोडक्शन है, जैसे आजकल नाउअडेज जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो अलर्ट करता है फिजिशियन को, किसके बारे में फिजिशियन को अलर्ट करेगा, कि जो हमारी अनटूवर्ड्स जो हमारी रिएक्शंस हो रही हैं विद द हॉस्पिटल फ्रॉम द यूज ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, कि किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को लेकर जो हमारे हॉस्पिटल में रिएक्शन शो हो रही है उस ड्रग के बारे में हम लोग क्या रिजल्ट निकल रहा है उससे, उसको लेकर वो फार्मासिस्ट क्या फिजिशियन को अलर्ट करेगा। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो फिजिशियन को कौन प्रोवाइड करवाएगा, जो हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट है, क्योंकि जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो ही पेशेंट्स को फिजिशियन क्या करता है जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब करके दे देता है, आगे जो फार्मासिस्ट है वो ड्रग पेशेंट्स को देगा, उसको रूट उसके कितने टाइम लेनी है वो सारा उसको डिटेल समझाएगा। अब जब उसको कोई प्रॉब्लम आती है, जो पेशेंट्स है उसको कोई एलर्जी आती है, तो उसके बारे में पेशेंट बताएगा, या फिर जब हम लोग फार्मासिस्ट को बताते हैं तो फार्मासिस्ट आगे फिजिशियन को कन्वे करता है, या फिर जब जो न्यू ड्रग बनती है उसका जो साइड इफेक्ट है, उस न्यू ड्रग का एडवांटेजेस क्या है, किस पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम लोग वो न्यू ड्रग जो बन रही है, रिसर्च हुई है, किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, कौन सी डिजीज के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन भी फिजिशियन तक कौन पहुंचाता है, एक फार्मासिस्ट। अब ये जो इंफॉर्मेशन है फार्मासिस्ट के पास वो कहाँ से कलेक्ट करेगा, या तो वो कलेक्ट करेगा जो हमारे फार्मेसी लाइब्रेरी है, जो फार्मेसी की लाइब्रेरी है वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन ड्रग के रिगार्डिंग वो कलेक्ट करेगा, जिससे जिसको वो पेशेंट जो फिजिशियन है उसको आगे कन्वे करेगा, कि जो हमारी ड्रग है उसमें कितना हमारे पास ड्रग के बारे में जो प्रॉपर नॉलेज है, किस मेथड से बनी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसका टॉक्सिसिटी कितनी है ड्रग की, वो प्रॉपरली कौन बताता है फिजिशियन को, फार्मासिस्ट। अब ये पॉसिबल कैसे, दिस इज पॉसिबल बिकॉज, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है एडिशन ऑफ लेटेस्ट टेस्ट जनरल, कि हम लोग जो हमारे फार्मेसी है वहाँ पर फार्मेसी लाइब्रेरी वहाँ पर लेटेस्ट टेस्ट होंगे जो है, या फिर जनरल जो है वो पब्लिश होकर आते हैं, उससे क्या हमें पता चलता है कि कौन सी हमारी न्यू ड्रग है जो मार्केट में आई है, और हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन फिजिशियंस को देते हैं। अब लार्ज जो हॉस्पिटल्स हैं, लार्ज हॉस्पिटल्स में क्या होता है, हैव डेवलप्ड ए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, जो लार्ज हॉस्पिटल है वहाँ पर हम लोग जो फार्मेसी है, डिपार्टमेंट है फार्मेसी का, उसमें एक इंफॉर्मेशन सेंटर क्रिएट कर देते हैं, एक इंफॉर्मेशन सेंटर बना लेते हैं उस डिपार्टमेंट में, कि इससे हमें जो ड्रग है ड्रग के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब जो ड्रग है, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर जो हमारा फर्स्ट था, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज या फिर ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है वो क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंटर मे बी अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग विच आर यूज इन द हॉस्पिटल, रिकॉर्ड ऑल डाटा ऑन द ड्रग रिएक्शंस। अब हम लोग ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर जो है, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज है,
उसमें क्या करेंगे, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फार्मासिस्ट की, कि जो हमारे हॉस्पिटल में ड्रग्स यूज हो रही हैं उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके जर्नल से, अब्स्ट्रैक्ट से, जो है रिव्यू पेपर से, आर्टिकल से हम लोग कलेक्ट करके उनको फिजिशियन तक पहुँचाएं। और ये सारा डाटा जो इसमें जो ड्रग की रिएक्शन है वो भी रिकॉर्ड होगी। अब सेकंड है जो हमारा DIC है, जो DIC मींस ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में हम लोग जो है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हम लोग उसमें कलेक्ट करेंगे, एक तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जैसे रिगार्डिंग जो ड्रग पॉइजन के रिगार्डिंग, टॉक्सिसिटी ड्रग की, हम लोग जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ड्रग की पॉइजन, उसकी टॉक्सिसिटी के रिगार्डिंग हम लोग टॉक्सिसिटी क्या है ड्रग की, एंड जो ट्रीटमेंट है उसके रिगार्डिंग हम लोग ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर से जो है इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेंगे। अब इसमें क्या है, द आंसर फार्मासिस्ट आंसर द क्वेरी थ्रू द ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है किसी भी ड्रग के रिगार्डिंग कोई मेडिकल स्टाफ फिजिशियन, तो उसका आंसर कौन देगा, फार्मासिस्ट। क्यों, क्योंकि एक जो फार्मासिस्ट ही है एक ऐसा पर्सन जो इस पोस्ट के, जो इसके लिए हेड बनाने के लिए राइट पर्सन है, ही इज द राइट पर्सन टू द हेड ऑफ DIC, कि ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर की सर्विसेज में जो हेड बनना है उसके लिए राइट पर्सन कौन है, हमारा फार्मासिस्ट। क्यों उसके लिए, बिकॉज क्योंकि उसके पास एक तो वो मेंबर ऑफ PTC होगा, हमने लास्ट लेक्चर में PTC डिस्कस किया था, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी, एक तो वो मेंबर है PTC का। अब PTC का मेंबर होने के कारण उसके पास जो सारी पॉलिसीज होंगी ड्रग के रिगार्डिंग, ड्रग के रिगार्डिंग प्रॉपरली जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी लिस्ट होगी जो प्रिपेयर होती है, इसलिए उसको जो है न्यू ड्रग्स के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन होगी। सेकेंड है नो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि फार्मासिस्ट को पता है कि हमें जो ड्रग के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगी, उसके क्या क्या सोर्सेज है जिससे हमें जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड है ही नो द रोल ऑफ अदर हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स, उसको ये भी पता है फार्मासिस्ट को कि जो अदर स्टाफ मेंबर है उनका क्या रोल है हॉस्पिटल में, और जो फार्मासिस्ट है उसको कंप्यूटर की प्रॉपर नॉलेज होती है, इसलिए इन क्वालिटीज के कारण जो हम लोग फार्मासिस्ट को है DIC का हेड बनाते हैं। अब है हमारे पास सोर्सेज, के कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज हैं जिसके कारण, जिससे हम लोग ड्रग की इंफॉर्मेशन, ड्रग के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। हमारे पास तीन सोर्सेज है जिससे हम लोग ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा जो है वो है प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में हमारे पास है जैसे हम लोग कोई आर्टिकल स्टडी कर रहे हैं फार्मेसी, हमारे जो ड्रग के रिगार्डिंग आर्टिकल है उसको स्टडी करना। सेकेंड है जो जर्नल्स हैं उनको स्टडी करना, या फिर हम लोग कॉन्फ्रेंसेज सेमिनार्स जब अटेंड करते हैं
ड्रग के बारे में वो प्रोवाइड होती है। ये है हमारा जो है प्राइमरी सोर्सेज। सेकेंड है सेकेंडरी सोर्सेज हमारे जो टेक्स्ट बुक्स है। टेक्स्ट बुक है ये हमारा सेकेंडरी सोर्स है जिससे हमें ड्रग की इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, ड्रग के बारे में। जैसे हम लोग केमिस्ट्री वन में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री वन में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, स्टोरेज के बारे में, उनके केमिकल फॉर्मूलेज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और केमिस्ट्री टू में हम लोग स्टडी करते हैं उस ड्रग के रिगार्डिंग कि कैसे वो ड्रग प्रिपेयर हुई है, उसके रिएक्शंस क्या है और उसमें कौन किसके लिए हम लोग उसको यूज करेंगे, कौन सी क्लास में आएगी। और जैसे फार्माकोलॉजी उसमें हम लोग ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म यूज, इनको हम लोग एडवर्स इफेक्ट, इन सबको डिस्कस करते हैं। थर्ड है हमारे पास टर्शरी सोर्सेज। टर्शरी सोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं कंबाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं इनको कंबाइन करके, इन दोनों के जो सोर्सेज हैं उनको कंबाइन करके जो हमारे पास इंफॉर्मेशन ड्रग के रिगार्डिंग कलेक्ट होगी वो है हमारी टर्शरी सोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है इसमें गाइडलाइंस। जो हमारी DACI है उसकी क्या क्या गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस क्या है DACI की, जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है इसमें क्या ये वैल्यूएबल जो सोर्स है ऑफ इंफॉर्मेशन का, जिससे हमें जो ड्रग्स है, ड्रग से जो वैल्यूएबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का रिलेटेड टू ड्रग्स, जो हमारे ड्रग्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। इसकी गाइडलाइंस क्या है, एक तो फर्स्ट है प्रॉपर नॉलेज ऑफ द जो इंस्टीट्यूशन उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड है जो लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें जो हमारे पास लिटरेचर्स यूटिलाइजेशन करने लाइब्रेरी में जो सर्विसेज हैं उनको प्रॉपरली हमें उनका एडवांटेज लेना चाहिए कि जो हॉस्पिटल में लाइब्रेरी बनी है उसमें क्या क्या जनरल्स आ रहे हैं, उसमें कौन सी नई ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन है वो हमें डिस्कस हमें स्टडी करना चाहिए। थर्ड है हमारा द कैपेसिटी ऑफ टू कंट्रीब्यूट इन एजुकेशन टू ऑल हेल्थ प्रोफेशन इन विल इज विल बी ड्यूटी ऑफ द DACI इंचार्ज। कि जो DACI के इंचार्ज है मीन्स जो फार्मासिस्ट है उसको प्रॉपरली एजुकेशन में ऑल जो हेल्थ प्रोफेशन हैं उनमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जिससे उसको नई नई जो ड्रग्स हैं उनके मेथड्स उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड उनके बारे में नॉलेज मिलती रहे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज है सेंटर है इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द पेशेंट केयर। कि वो जो हमारा फार्मासिस्ट है DACI का इंचार्ज है जो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेशेंट की हेल्थ केयर के साथ अटैच होना चाहिए कि उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पॉइंट गाइडलाइंस कि हमारे पास जो DACI है उसको प्रोफेशनली सर्विसेज में भी सपोर्ट करना चाहिए। जो PTCI है PTCI जो सर्विसेज दे रहा है उसको भी प्रोफेशनली यूज़ करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब हमारे पास आ जाता है कि जो DACI है DACI जो नेटवर्क है हमारे पास नेटवर्क आर नॉट वेरी कॉमन, ये कॉमनली नेटवर्क नहीं है कि हर जगह ये जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर या सर्विसेज नहीं होती हर एक हॉस्पिटल में। दिस फैसिलिटी कुड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर हॉस्पिटल में DACI जो है सेंटर वो बनाए जाए। उसकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे DACI के क्यों बनाना चाहिए। एक तो फर्स्ट है हमारा
कि एनालिसिस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन एंड ड्रग थेरेपी फॉर हार्ट डिजीज, कैंसर, कि जो हमारे ज़्यादा डेंजरस ड्रग्स हैं, जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर हैं जो ज़्यादा हो रही है आजकल इंडिया में, उनके बारे में हमें जो प्रॉपरली ड्रग की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हम लोग ड्रग थेरेपी पेशेंट्स को प्रॉपरली दे पाएंगे, जिससे इन डिजीज पर हम लोग प्रिवेंट, इन डिजीज पर हम लोग जो है कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो न्यू डेवलपमेंट हो रही है ड्रग्स की, उनके बारे में हमें पता चलेगा कि कौन सी ड्रग थेरेपी आई है न्यू, कैंसर की कौन सी आ रही है, या फिर अदर जो थेरेपीज है ड्रग की, कौन सी मेथड से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोग, जिससे फिजिशियन को और जो फार्मासिस्ट है और जो पेशेंट्स हैं उनको बेनिफिट हो सके। ये था हमारे ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव थे जिससे हमें, जिसके कारण ये हमारे जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है वो हर एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास DIC एंड इट्स लोकेटेड लोकेशन।
इंफॉर्मेशन सेंटर में पब्लिशर जर्नल, वो क्या था, जर्नल पब्लिश कर रहे थे, और जो पीरियडिकली इन एनी जो हमारे पास बुकलेट्स हैं करंटली जिससे हमें ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी, या फिर जो वेरियस टेक्निकल एस्पेक्ट थे जिनके बारे में हमें जो न्यू हमारे रिसर्च हो रही थी, न्यू मेथड आ रहे थे ड्रग के बारे में, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे थे, वो है हमारा ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसमें जो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट है फॉर ऑल द हेल्थ प्रोग्राम्स, इनमें जो हमारे और जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनकी प्रॉपरली डिटेल होनी चाहिए हमारे पास, कि हमें जो ड्रग के बारे में कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो सारे जो सोर्सेज हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। अब हम लोग जो है हमारे पास जो ड्रग इंफॉर्मेशन हमारे पास बुलेटिन है वो हम लोग रेफर कर देते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज को या ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर को, जहाँ पर जो है फार्मासिस्ट आगे वो नॉलेज मेडिसिन की आगे नॉलेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब हमारे पास इसमें है एडवांटेजेस ऑफ डीएलबी। हमारे पास इसमें जो एडवांटेजेस क्या है ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन के, फर्स्ट है ये हमारा जो हेल्प करता है, इससे जो लिंक बनता है, एक लिंक बिटवीन द डीआईसी एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है उनमें और ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है जो उनमें एक लिंक प्रोवाइड होता है। सेकेंड है हमारे पास जो इसमें एडवांटेजेस है, इसमें जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, हेल्प टू हॉस्पिटल स्टाफ रिगार्डिंग जो रिसेंट रिसर्च हो रही है, रिसेंट ड्रग्स बन रही है, उसके रिगार्डिंग जो हमारे स्टाफ है हॉस्पिटल का, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है। थर्ड है इससे हमारे जो करंट इंफॉर्मेशन मिलती है, करंट इंफॉर्मेशन टू फार्मासिस्ट में एंड स्टाफ, जो स्टाफ है और फार्मासिस्ट है हॉस्पिटल का, उनको करंट की जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल होती रहती है कि कौन सी मेडिसिन बन रही है, किसका क्या साइड इफेक्ट है किस डिजीज के लिए, और कौन से मेथड से हमने वो मेडिसिन प्रिपेयर की थी। ये था हमारा चैप्टर ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस और ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश हो जाता है, ये एक ही लेक्चर का चैप्टर था, यहीं पर ये हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर वो फिनिश हो गया। थैंक यू।